शीर्षक लेखक और बाण। बुक कैफे की खिड़की से बाहर, बुक कैफे की खिड़की से बाहर झांकता एक लेखक देखता है एक तक अकेले में चुपचाप खड़ा बाण का पेड़। बुक कैफे की खिड़की से बाहर झांकता एक लेखक देखता है एक तक अकेले में चुपचाप खड़ा बाम का पेड़। वह नहीं देख रहा इस समय कि बाम है कितना ऊंचा या तना उसका कितना है मोटा या उसकी खुरदरी शाखों और गहरी हरी पत्तियों में कितनी और बची है जिजीविषा। देख रहा वह कितने गहरे तक गई हैं उस बाण की जड़ें जमीन के अंदर। डूबा गहन सोच में वह तोलता साथ खड़ी इमारत की ऊंचाई और बाण की गहराई। महसूस करता वह एक दूसरे के लिए दोनों में बराबर की है रुखाई। इसे मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। वह नहीं देख रहा इस समय कि बान है कितना ऊंचा या तना उसका कितना है मोटा या उसके खुरदरी शाखों और गहरी हरी पत्तियों में कितनी और बची है जिजीविषा। देख रहा वह कितने गहरे तक गई हैं उस बान की जड़ें जमीन के अंदर। डूबा गहन सोच में वह तोलता साथ खड़ी इमारत की ऊंचाई और बान की गहराई। महसूस करता वह एक दूसरे के लिए दोनों में बराबर की है रुखाई। इमारत ठहरी ठेठ शहरी, वह करती जब तक खड़ा प्रोपेगेंडा, यह बाण है उस पर मंडराता खतरा। बाण गिर के उस पर जड़ समेत किसी दिन किसी भी पल कर देगा उसको जमीन दोज। उधर बाण की जड़ें आदिम बाहरी साजिशों के प्रति उदासीन सहेजती पानी, जी जान से जकड़ के रखती जमीन। लेखक को अपना मान पूछता है सवाल बान, लेखक को अपना मान पूछता है सवाल बान। पैदा तो हुआ था वन में, नाम भी रख दिया किसी ने बान, फिर क्यों उजाड़ा गया गहन हरियाला था जो उसका जनक वन वन वन। किसने रोपी सब जगह इमारतें ही इमारतें, क्यों फैलाया किस्म किस्म का प्रदूषण। लेखक बिल्कुल उस बाण की तरह अजनबी भीड़ में खड़ा नितांत अकेला, उसके मनोभाव यहाँ इस बाण के सिवा कौन है समझने वाला। एक बाण है जो खुलकर बतिया सकता है उससे या वो बतिया सकता है बाण से। बाण के बेहद जायज अड़ियल कड़ियल चुभते सवालों से लेखक हुआ बेचैन। उसकी आंखों में छा गई देखते ही देखते पतझड़ की सी उदासी। बान ने पढ़ ली लेखक की आंखें, समझता है वह भी लेखक की अकुलाहट उसकी बेचैनी और मानव सभ्यता के विकास की त्रासद कहानी। एक असमय पीली पड़ चुकी पत्ती उसकी अचानक छूटी डाल से और उड़कर आ बैठी लेखक के कंधे पर सांत्वना देती सी।